मांगे जा रहे हैं। तो सुना आपने किस तरीके से राजनीतिक बयान इस समय आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा का तापमान लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। बीजेपी 40 पर, कांग्रेस 29 पर, जेजेपी 12 पर, अन्य 9 पर। राजवंत धालीवाल हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोक दल के। धालीवाल जी, बुरा तो लगता है लेकिन ना 3 में रहे ना 13 में, ये स्थिति कर दी जनता ने, देखिए पार्टी के टूटते ही। और जो नया धड़ा बना था उसको जनता ने ऐसा लगता है चौटाला परिवार के उत्तराधिकारी के तौर पर असल में मान्यता दे दी कि उनकी लेगेसी को अब दुष्यंत चौटाला ही आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है, जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया है। हम कभी सत्ता के लालची रहे ही नहीं। आज जनता ने जो जनमत दिया है, धालीवाल जी, ऐसा तो मत कहिए कि भजन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है आप लोगों ने। नहीं नहीं, ये किसने कहा है? देखिए, सत्ता के लिए हमने जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। हमने 75 पार का नारा तो नहीं दिया ना, हमने तो ये कहा था जनता जो जनमत दे गया वो हमें स्वीकार है। भाई साहब, कैसे देते हैं? एक सीट बचानी मुश्किल हो रही है इस समय, आप कह रहे हैं हमने 75 पार का नारा देने का नहीं सोचा। नहीं नहीं, हमने सोचते भी कैसे, की तरह झूठे वादे तो नहीं किए ना। जनता ने जो जनमत दिया है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। जनता हमारी बात को कितना समझ पाई वो तो आप देख ही रहे हैं। आप अगर नहीं समझ पाई, हम उनके साथ फिर भी उसके संघर्ष के साथ ही है। लेकिन आज भी अब रिजल्ट जो आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी अब भी कह रही है कि हम सरकार में हैं, कांग्रेस अब भी कह रही है हम सरकार में है। देखिए, जो आज जनता की हालत जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, कांग्रेस के जो हकीकत जो जनता देख चुकी है, कहीं ना कहीं उस पे हमने उनके साथ खड़ा होकर संघर्ष करने का काम किया है। और आगे जो फैसला रहेगा वो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वो हमें मंजूर होगा। मतलब किस बात का फैसला करना आपको? देखिए, जो भी हमें जनता के साथ में रहना है या किसी के साथ में जाना है या जो भी रहेगा वो तो शीर्ष नेतृत्व तो फैसला करेगा उस चीज। बुलाया है आपको किसी ने अभी तक? दोनों में से किसी तरफ से फोन आया कोई? देखिए, फोन के बारे में तो अभी मैं आधिकारिक रूप से तो कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पूर्ण बहुमत से सरकार किसी की भी नहीं आ रही, और इसमें किसी न किसी का साथ और सहयोग के साथ ही सरकार बना पाएंगे। तो आपको उम्मीद है कि आपसे भी पूछा जाएगा कि हमारे साथ आ जाओ? निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। दीप कमल, बहुत देर से आप हाथ उठा रहे थे, बीच में मैं सवाल ले नहीं पा रहा था आपसे, तब बोलिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं? मैं दो बात कहना चाह रहा था रोहित जी। एक तो जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि आपके एग्जिट पोल ने उनकी लुटिया डुबोई, मैं कहता हूं कि जो उससे पहले ओपिनियन पोल जो आए, जो 83 तक दे रहे थे, उन्होंने इनकी लुटिया डूबने से बचाई, और हम जैसे विपक्ष के जो मेहनती लोग थे उनकी लुटिया कहीं ना कहीं डुबोने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है पिछले 10-15 दिनों में। 75, 85, 83, 72, ये सब दिखाया गया हरियाणा के लोगों को, उससे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बच गए हारने से। दूसरी बात, और फिर भी उसका नतीजा क्या हुआ है, मैं 3 स्तर पर आपको रोहित जी बताता हूं। हरियाणा सरकार के बड़े मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री जो है वो दोनों हार रहे हैं। हरियाणा सरकार के, हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला स्पष्ट तौर पर हार चुके हैं, वो काउंटिंग स्टेशन छोड़कर जा चुके हैं। तीसरे स्तर पर केंद्र में जो मंत्री रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रेमलता, वो हार रही है। यानी केंद्र सरकार का हिस्सा, हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा सरकार के मंत्री, तीनों स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। और अगर ये बात महत्वपूर्ण है, मुझे कहनी पड़ रही है, अगर ये बात महत्वपूर्ण है तो ये सारे के सारे जाट नेता हैं। ये हरियाणा भाजपा की अचीवमेंट है कि उन्होंने लोगों के बीच में जाति की राजनीति की। और अगर हम जैसे लोग इस बात को पॉइंट आउट भी करते हैं तो ये भी बदकिस्मती से उन लोगों के फेवर में जाता है कि हरियाणा जाति में बंटा हुआ है। ये उसी पर आधारित है, उसी के भरोसे बैठे हुए थे, 75 पार, ये पार, वो पार। आपकी पहचान भी तो जाट पार्टी के तौर पर। एक सेकंड शशि शेखर जी, एक सवाल पूछें, फिर मैं भी एक सवाल पूछूंगी। शशि शेखर जी, दो मुख्य बातें, जाट तो ने क्या अपनी एक मुहर इन फैसलों के साथ सामने रखी है, बीजेपी को कुछ साफ साफ बताया है एकदम आमने सामने देखकर? दूसरी तरफ विरासत की राजनीति का लौटना, अगर दुष्यंत चौटाला को इतनी कामयाबी पहली बार में अलग पार्टी के साथ मिल जाती है? आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि वेस्टर्न यूपी में जब अजीत सिंह हारे और उनके बेटे हारे, तो जाटों की राजनीति सिर्फ एक जगह से नहीं चलती, चूँकि सारे इलाके मिले हुए हैं वेस्टर्न यूपी और हरियाणा, इसी तरह राजस्थान का एक पार्ट भी उसमें सम्मिलित होता है। तो जाटों के मन में एक ये फीलिंग आनी शुरू हुई कि 2014 से उनकी राजनीति में जो इरोजन आ रहा है, अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में जाट लीगेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी राजनीति से। कुछ इस तरह के व्हाट्सएप भी मैंने देखे थे जो कि उनको बाकायदा ललकार रहे थे, उनके जातीय स्वाभिमान को हवा दे रहे थे। तो तय ये था कि ये जो जाट हैं इनका एक आक्रोश डेवलप हो रहा है। अगर आप याद करें, जाट आंदोलन के दौरान कैप्टन अभिमन्यु के घर को तोड़ दिया था लोगों ने, इतना ज़्यादा गुस्सा था, जो कि जाट नेता के तौर पर बीजेपी में मशहूर है। तो ये तय था कि इस बार हरियाणा में आखिरी लड़ाई
जाट या तो लड़े या न लड़े। तो जाटों ने एकजुट होकर एक लड़ाई लड़ी। कांग्रेस और जेजेपी और जो आईएनएलडी का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल साफ इसका द्योतक है। दूसरी बात, आपका दूसरा सवाल ये था कि क्या वंशवादी राजनीति को लोग चुन रहे हैं। इसको सिर्फ वंशवादी राजनीति से आप मत जोड़िए, क्योंकि हुड्डा कांग्रेस से लड़ रहे थे और सबसे बड़ी पार्टी उनके साथ है। फिर एक बात और है कि आखिर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सारी की सारी किसी न किसी बड़े नेता के पुत्र, प्रपौत्र, पौत्र, इन सब से जुड़ी हुई हैं। तो अब इससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता, इससे आप बच नहीं सकते इस समय। ठीक है, चलिए कुमारी